तो वेलकम दोस्तों अपने चैनल दोस्तों टेक्स्ट में दोबारा से दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें। तो आज का हमारे वीडियो भाई एंड्रॉइड वन प्रोग्राम के ऊपर। और भाई एंड्रॉइड वन प्रोग्राम दोस्तों कई लोगों को दोस्तों डाउट था भाई कि एंड्रॉइड वन प्रोग्राम क्या है। तो दोस्तों भाई इस वीडियो को ध्यान सुनिएगा। अगर दोस्तों आप मी ए सीरीज के यूजर्स हैं या कुछ भी है मी ए फोर के दोस्तों आप वेट कर रहे थे तो आपने क्या क्या चीज़ इसमें खो दी और मतलब यार बहुत गलत हुआ मी ए फोर के साथ। और यार मी दोस्तों कभी भी कम्पीट नहीं कर सकता यार एक एंड्रॉइड वन प्रोग्राम साथ जो कि दोस्तों नीट एंड क्लीन है। तो भाई देखो स्टार्ट होता है दोस्तों मी ए वन दोस्तों आया था 2017-16 में आया था यार 17 में आया था दोस्तों मी ए वन दोस्तों एंड्रॉइड वन प्रोग्राम 17 में आया था। तो भाई जब से दोस्तों अब तक 3 साल ही हो गए ऑलमोस्ट मान लीजिए 3 साल ही हो गए हैं। तो भाई देखो अब एंड्रॉइड वन प्रोग्राम दोस्तों शाओमी ने बंद कर दिया और दोस्तों कई फ़ोन आते हैं जो एंड्रॉइड वन प्रोग्राम बेस्ड होते हैं जैसे नोकिया के फ़ोन लीजिए वो एंड्रॉइड वन प्रोग्राम बेस्ड है। तो भाई कई लोग बोलते हैं एंड्रॉइड प्रोग्राम क्या है, एक बार बात ध्यान से सुनेगा थोड़ी सी बार पसीन आ गया तो स्टॉप के लिए देखो कितने पसीन आ गए हैं यहाँ पे। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट आपका राय दीजिए कि आपका कौन सा फेवरेट यूआई है। अब दोस्तों देखो मार्केट में आपको ना कई ऑप्शन मिलेंगे। आप अगर स्मार्टफोन लेंगे आपको दोस्तों सैमसंग का वन यूआई मिलेगा, होनर का और हुआवे का दोस्तों आपको जो मैजिक जो अब दोस्तों ईएम यूआई दोस्तों वो मिलेगा। और दोस्तों सैमसंग का तो हम बता दें मैंने वन यूआई दोस्तों रियलमी यूआई मिलेगा और एम आई यू आई मिले दोस्तों लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट बना हुआ है। नहीं पता क्यों दोस्तों एम आई यू आई दोस्तों लोग इतने प्रेफर करते हैं पर मैं दोस्तों पर्सनली दोस्तों मैं उसको पसंद नहीं है दोस्तों। मेरे दोस्त के पास दोस्तों एक नोट 5 फोन है तो मेरे को दोस्तों वो बिल्कुल यू आई बेकार रहता है। वो दोस्तों वहाँ पर कोई सेल की ऐड आ रही है कभी वहाँ पर कुछ कुछ ऐड आ रही है मतलब बिल्कुल दोस्तों सूट नहीं करता वो चीज़ क्योंकि दोस्तों एक हमने फ़ोन के लिए पे किया है तो पे करने वाले दोस्तों हमको ये ऐड देखने को मिलेगी ना तो भाई वो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और एंड्रॉइड वन प्रोग्राम पर बात करते हैं उसको बात छोड़ते हैं। तो भाई देखो एंड्रॉइड प्रोग्राम क्या है भाई, अगर तो एक मैं वन प्लस का एग्जांपल लेता हूँ भाई वन प्लस के फ़ोन मान लो वन प्लस ब्रांड आज के टाइम अच्छा बन गया। स्टार्टिंग दोस्तों इन्होंने कांच की दोस्तों बहुत कम प्राइस उन्होंने स्टार्टिंग की और आज भाई कहाँ पे पहुँच गए 30-40 दोस्तों अभी 25 का है नोट पर दोस्तों वो 25 का अभी अवेलेबल नहीं होगा दोस्तों। उन्होंने कहा एक मंथ बाद या डेढ़ मंथ बाद अवेलेबल कराएंगे तो ये सब मार्केटिंग करने की डील होती है। और उनका दोस्तों जो बिकता है भाई वो बिकता है ऑक्सीजन ओएस की वजह से, ठीक है ना। और यही चीज़ होती है भाई एंड्रॉइड वन प्रोग्राम दोस्तों बहुत नीट एंड क्लीन है। मतलब एक दोस्तों आप देखिए मतलब जो कि एक आप रियलमी का फ़ोन ले लीजिए, रियलमी का ले लीजिए एम आई का फ़ोन ले लीजिए जो कि ए सीरीज़ को छोड़ के, ठीक है, जो कि ए सीरीज़ अभी 3 सीरीज़ है मी ए फोर दोस्तों एम आई 12 पे आएगा पर दोस्तों मी ए फोर के बारे में सच में यार सोच के बहुत बुरा लगता है कि यार ये क्या हो गया मी ए फोर के साथ। मतलब मैं खुद पर्सनली दोस्तों मैं वेट कर रहा था, मेरे को पता था यार ये मी ए फोर बहुत लेट आएगा और अभी दोस्तों एक मंथ और बचा है भाई उसमें ही लॉन्च होगा। मैं आपको बता दूं भाई ये मंथ तो गई अगस्त तो गई तो अगले मंथ दोस्तों एंड तक होने के दोस्तों पूरे पूरे चांस है मी ए फोर के। पर अब दोस्तों कोई भी मैं मानता हूँ लेने को तैयार नहीं होगा मी ए फोर। और एंड्रॉइड वन पे आते हैं मी ए फोर के अभी आप और वीडियो में बात करेंगे तो उसकी अलग बात करेंगे। तो भाई देखो एंड्रॉइड प्रोग्राम क्या होता है, वन प्लस ने दोस्तों ऑक्सीजन ओएस है दोस्तों वो क्या है, अब तो दोस्तों उन्होंने सैमसंग की वन यूआई की कॉपी कर ली बिल्कुल। अब फिलहाल जिस टाइम दोस्तों उनका एंड्रॉइड 11 रन कर रहा है ना बीटा वर्जन पे दोस्तों उन्होंने सैमसंग वन यूआई दोस्तों कॉपी की है बिल्कुल। तो अब दोस्तों ये चीज़ देखनी चाहिए कि यार देखो सैमसंग की कॉपी की है और भाई इतना अच्छा उनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम था, मतलब आप कॉपी नहीं बोल सकते, उनसे इंस्पायर होकर उनके थोड़े से फीचर्स अपने स्मार्टफोन में डालिए। पर मैं मानता हूँ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट मतलब उनको थोड़ा सा अपना कुछ यार वो करना चाहिए था थोड़ा ऐड ऑन मतलब जैसे वो नॉर्मली काम करते थे। और तो यही यार एंड्रॉइड वन प्रोग्राम दोस्तों अगर आप आज के टाइम फिलहाल जो एंड्रॉइड 11 पे रन कर रहे हैं वन प्लस उसके साथ कंपेयर करोगे भाई आज वन प्लस कहीं आगे था उस टाइम जब ये उनका एंड्रॉइड 11 अपडेट नहीं आया था जो कि सैमसंग वन की डाल बिल्कुल कॉपी हो चुका है। उनके इंटरफेस आप देखोगे पर एंड्रॉइड वन प्रोग्राम क्या है आपको गारंटी के अपडेट मिल रहे हैं। शाओमी दोस्तों अलग बात है कभी दोस्तों इशू दे रहा है पर दोस्तों जो कि और फ़ोन है ना जिन पे बेस एंड्रॉइड वन प्रोग्राम पे जैसे कि आप नोकिया के फ़ोन है ना वे एंड्रॉइड वन प्रोग्राम बेस हो भाई उनमें 11 का अपडेट आ रहा है बीटा वर्जन दोस्तों उनमें रोल आउट कर देगा तो भाई उनमें आ रहा है। और सबसे बड़ा दोस्तों बात करते हैं दोस्तों ये एंड्रॉइड है दोस्तों गूगल तरफ से दोस्तों होता है उसमें कोई भी ब्रांड अपना वे फालतू के ऐप नहीं डाल सकते। मान लो दोस्तों शाओमी ने इसमें मी एम आई दोस्तों एम आई स्टॉक कैमरा इसमें डाल रखा है पर भाई ये ज़्यादा कोई उसका अलाउ नहीं करेगा कि भाई आप एक काउंटर नंबर मिले नहीं आप परमिशन चेक करेंगे इसके क्या क्या परमिशन लेता है आपकी स्टोरेज और आपकी लोकेशन इससे दोस्तों ये और भाई माइक्रोफोन की तो है ही और एक और जो आप फोल्ड ही होगी दोस्तों वहाँ पर रिकॉर्डिंग की तो वो चीज़ पर कॉन्टैक्ट को दोस्तों ऐसे कोई अलाउ नहीं मांगता। पर दोस्तों जब आप शाओमी का फ़ोन लोगे दोस्तों मैंने एक परसों दोस्तों मतलब मेरे दोस्त का फ़ोन यूज किया भाई वो मेरे को मी ब्राउजर प्रेफर कर रहा और दोस्तों मैं उसमें आईडी डाल रहा ना तो भाई वो आईडी वाला मतलब जो गूगल बोल रहा है इस ब्राउजर में सेफ नहीं है तो आप इससे लॉगिन मत करिए। तो वहाँ पे क्या मतलब होता है अगर आप दोस्तों आप थोड़े बहुत भी इंटेलिजेंट मतलब
इंटेलिजेंट दोस्तों दोस्तों सभी हैं, थोड़े पसीन आगे मैं इसको पूछ लेता हूँ। तो मतलब सभी दोस्तों इतने अवेयर है किस चीज़ के बारे में, पर यार देखो वो वहाँ पे अलाउ क्यों मार रहे हो, गूगल ये बोल रहे साफ साफ भाई ये चीज़ सेफ नहीं है। पर दोस्तों शाओमी का MIUI दोस्तों तो प्रेफर कर रहे, आप इसी से रन करें, इसी से रन करें, तो यार वो तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक चीज़ निकल के आएगी यार कि हाँ यार यहाँ पे ना कुछ दोस्तों धालेबाजी चल रही है, तो वो है। और दोस्तों इतने ज़्यादा फीचर्स में मानना मेरे को लगता नहीं किसी को ज़रूरत पड़ेगी। रुक गया दोस्तों, पसीने पूछ के आता हूँ, तो मिट गया तो आ गया ना मैं, ठीक है। तो भाई देखो भाई फिर ये चीज़ है, देखो वो है ना वहाँ पे कुछ ना कुछ दोस्तों गड़बड़ है, गूगल दोस्तों अलाउड नहीं कर रहा, गूगल को पता है भाई ये चीज़ मतलब फेक है। अब दोस्तों देखो बात आती टिकटॉक और ऐसे ऐसे दोस्तों ऐप को ये प्रमोट करता था, और दोस्तों आप इसमें चेक करो दोस्तों इसमें हेलो नहीं तो कौन कौन से ऐप प्रमोट हो रहे हैं फ्री फ्री में, मतलब वो आपके वहाँ से प्रमोशन दोस्तों वहाँ पर अपना अर्निंग जनरेट कर रहे हैं वहाँ से, तो ये चीज़ गलत है ना। आप अगर दोस्तों आप खुद मानिए आपने एक फ़ोन के 13,000 पे कर दिए, अब दोस्तों आप चाहोगे आपका डाटा आपका मतलब ज़्यादा फीचर दे दिए उसने बहुत ज़्यादा कि भाई आपको दो बार स्क्रीन टैप करोगे आपका फ़ोन अनलॉक, मतलब आपकी स्क्रीन पर आपको डेट और टाइम शो करने लगेगा, आपको नीड है इस चीज़ की दोस्तों। आप जब उसको अनलॉक बटन से कर सकते हो, हाँ ठीक है किसी को पसंद आते हो, मैं मानता हूँ 90% लोग दोस्तों इरीटेट होते हुए इस चीज़ से कि इतने ज़्यादा फीचर्स मतलब जो टपोरी होते हैं ना उन वाले फीचर्स उनमें वो दे रखे यार। और एंड्रॉइड वन प्रोग्राम में और स्टोक एंड्रॉइड और एंड्रॉइड वन प्रोग्राम में आपको फर्क बताता हूँ। आप वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखेगा, आप यहाँ तक आए तो कुछ ना कुछ दोस्तों सीख के जाएगा। स्टोक एंड्रॉइड दोस्तों एंड्रॉइड वन प्रोग्राम में क्या फर्क है भाई, स्टोक एंड्रॉइड आता है दोस्तों जिसमें मतलब कंपनी के हाथ में होता है कि हम इतने सारे दोस्तों अपडेट मतलब दे ना दे उसका मतलब है। जैसे भाई मेरे पास एक फ़ोन था 10 होगा भाई, उसमें स्टोक एंड्रॉइड था, उसमें अपडेट आई 5-6-7 महीने अपडेट आई अच्छी तरीके से, 7-8 महीने अपडेट आई अच्छी तरीके से, उसमें दोस्तों बंद हो गया ठीक है। अब दोस्तों आता है एंड्रॉइड वन प्रोग्राम ये आ गया ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, आपको ब्रांड गारंटी करता है कंफर्मेशन देता है कि 3 साल हम आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट देंगे जो कि मंथली सिक्योरिटी पैच अपडेट होंगे। और भाई जैसे कि वर्जन बटे होते हैं जैसे कि मतलब एंड्रॉइड 11 मतलब जो कि नेक्स्ट 3 या 4 वर्जन जो कंपनी प्रेफर करती है, मतलब ऑलमोस्ट सभी ब्रांड है तीन वर्जन कवर करते हैं कि तीन तो हम ऑलमोस्ट दोस्तों जो कि हमारे फ्यूचर में आने वाले अपडेट आपको देंगे एंड्रॉइड अपडेट ना कि सिक्योरिटी पैच, वो तो दोस्तों देंगे। और तो ये अच्छी चीज़ होती है। पर दोस्तों शाओमी ना शाओमी जो कि ए सीरीज थी, शाओमी ने क्या किया अपने साथ कि मतलब एंड्रॉइड वर्जन के साथ दोस्तों उन्होंने तो क्या मतलब कुछ छेड़खानी करने की कोशिश की होगी, तभी बार बार रोल आउट रोल इन रोल बैक करना पड़ रहा होगा उनको, तो उनका दोस्तों कुछ पर्सनल इशू होगा, उन्होंने शायद लगता है सॉफ्टवेयर साथ कुछ छेड़खानी की होगी, पर दोस्तों वो कर नहीं सकते ज़्यादा छेड़खानी। और एक दो ऐप डाली हुई है जो कि MI का कैमरा है तो वो चीज़ें, तो मतलब सबसे सिक्योर अगर आप मानते ना स्टोक एंड्रॉइड और एंड्रॉइड वन प्रोग्राम ये होता है, मतलब कोई ऐड नहीं दोस्तों। मैं मानता हूँ जो एड्स का टाइम है ना भाई आगे के बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि स्टोक एंड है ना जो कि आप गूगल के फ़ोन देखते होंगे और वन प्लस के फ़ोन आज के टाइम क्यों बिक रहे हैं, ऑक्सीजन ओएस की वजह से भाई, मानता हूँ मैं 70% शेयर है ना ऑक्सीजन ओएस की वजह से, तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इनमें अपडेट अच्छे मिलेंगे भाई, अपडेट से फ़ोन है, अपडेट से फ़ोन में जान डलती है। मैं आपको ये बात बता दूँ, मतलब आपका फ़ोन दोस्तों आज मतलब 2 साल पुराना हो गया और दोस्तों उसमें एक फ़ोन अभी लिया उस भाई ने मतलब 6 महीने पहले, उसमें दोस्तों वो फीचर ऐड नहीं है, और भाई वो ब्रांड एंड्रॉइड वन प्रोग्राम वाला ब्रांड बेस्ड जो एंड्रॉइड वन प्रोग्राम इस फोन के अंदर डल रहा है जो 2 साल पुराना है भाई वो अपडेट रोल आउट करता है भाई ये नए फीचर दोस्तों आ गए, मतलब एंड्रॉइड 11 इसमें आ गया, उसमें एंड्रॉइड 10 रन कर रहा है, वो अभी भी उसने 2 महीने पहले फ़ोन लिया, वो ब्रांड दोस्तों नहीं दे पा रहा है, वो देगा मतलब कुछ महीने बाद, पर दोस्तों एंड्रॉइड वन प्रोग्राम का फिक्स है भाई ये मंथ में दोस्तों हमको ये अपडेट हम आपको रोल आउट करके देंगे, वो गारंटी ली है उन्होंने वहाँ पे, तो वो उनको देंगे उनको देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ थोड़ा बहुत लेट मान सकते हैं 1 महीने ऐसा कुछ मान सकते, पर इसे दोस्तों लेट नहीं हो सकेंगे क्योंकि दोस्तों उनके वो पर टर्म एंड कंडीशन होता है वो चीज़ वाला होती है एक ब्रांड की ठीक है वो है, तो वो चीज़ अच्छी होती है। आप दोस्तों पिक्सल फ़ोन है गूगल पिक्सल, वो क्या है वो स्टोक एंड्रॉइड फ़ोन है, उनके दोस्तों प्राइस मान लो उनका कैमरा के, अब दोस्तों वो कैमरे की बात आते हैं भाई सॉफ्टवेयर, मतलब यार एक पिक्सल कैमरा दोस्तों उसमें सिर्फ गूगल पिक्सल मतलब सोनी का सेंसर उसके अंदर भी, उसमें दोस्तों 12.2 MP दोस्तों कैमरा है, और भाई वो कैमरा आज के टाइम दोस्तों आपका जो कि आईफोन मैं मान लूँ आईफोन जो कि आपका 11 है ना 11 60 सबसे बेस्ट मॉडल सबसे फ्लैगशिप मॉडल तो बिकने वाला वही है भाई, उसको भी यार अगर उसमें अल्ट्रा वाइड ना हो ना एंड्रॉइड मतलब आईफोन 11 पे उसको छोड़ दे पीछे, पर दोस्तों अगर कैमरा क्वालिटी आप चेक करो ना चाहे कोई दोस्तों कितना भी मतलब DSLR और दोस्तों सॉरी थोड़ी हिचकी आ गई तो ठीक है ना, तो भाई आपके DSLR भी ना मतलब बिल्कुल दोस्तों आप इमेज प्रोसेसिंग देखोगे ना यार वो क्या होती है भाई वो सॉफ्टवेयर की होती है। चाहे दोस्तों अब आप सोचेंगे एक देखो शाओमी दोस्तों एक MIUI दे रहा है फिर एक गूगल दोस्तों अपना स्टोक एंड्रॉइड दे रहा है प्रॉपर, अरे अगर एंड्रॉइड है तो यार गूगल ही है ना प्योर, तो दोस्तों उसमें बेफालतू स्क्रीन चढ़ाने में क्या फ़ायदा। अब फंटच हो साहब कलर ओएस उसके ना बुरा था, आप देखो कलर ओएस हमने यूज़ किया ओप्पो में रियलमी में बहुत बुरा, और MIUI दोस्तों कैसा है बिल्कुल भी मतलब
एमओयू दोस्तों ये चीज़ मतलब नोटिस की गई, मतलब लोगों ने दोस्तों फैक्ट भी दिया इस चीज़ के बारे में, मतलब उन्होंने 100% दोस्तों आपको गारंटी दी है कि ये है ना, ये दोस्तों सिक्योर नहीं है। अब भाई हमारे कई लोग होंगे जो बोलेंगे भाई चाइनीज़ है भाई, इनको हटाया गया टिकटॉक को, भाई प्राइवेसी से सिक्योर नहीं कर रहे। तो भाई शाओमी के MIUI को, रियलमी के UI को, ओप्पो के फनटच OS, नहीं ओप्पो कलर OS को, और सैमसंग का बनी हुई दोस्तों अच्छा है वो UI दोस्तों, जो अच्छा है वो अच्छा है। पर दोस्तों स्टॉक एंड्रॉइड 1 और स्टॉक एंड्रॉइड 1 प्रो दोस्तों वो फर्स्ट पे ही लीड करेंगे, साफ बात ये है। और दोस्तों बहुत UI नहीं था इन्फिनिक्स में, दोस्तों कौन सा UI है, मतलब क्या UI आ रहे हैं, मैजिक UI आ रहा है, और माइक्रोमैक्स में दोस्तों नहीं पता कौन सा UI था, शायद उन्होंने स्टॉक था यार, UI नहीं था उनके अंदर, वो माइक्रोमैक्स में तो पहले फोन था स्टॉक था यार, वो अच्छे थे, तो फ़ोन अच्छे नहीं थे, पर उनका UI दोस्तों स्टॉक एंड नीट क्लियर था, उनमें थोड़े बहुत ऐप आते थे वो हटाने पड़ते थे, यार उसमें स्टॉक नहीं था, मैं कन्फर्म नहीं, माइक्रोमैक्स में तो आप बताइएगा। तो छोड़ते हैं माइक्रोमैक्स का टाइम क्या, और कितने पसीने आ रहे हैं, आप लाइक नहीं कर जाते यार, आप अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन सपोर्ट करे, मैं आपको इतनी ज़्यादा चीज़ समझा रहा हूँ और आप समझ नहीं रहे हो, समझ रहे हो तो ठीक है ना। तो ये चीज़ें भाई देखो प्राइवेसी दोस्तों, आपका डाटा, आपकी फ़ोटो, आपका कहाँ कहाँ जा रहा है, और कलर OS में जो कि और UI ऑपरेटिंग सिस्टम आपका फ़ोन का, वो किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं। पर एंड्रॉइड 1 प्रो दोस्तों जो स्टॉक एंड भाई उसमें अलग से आता है कि भाई आपका सिक्योरिटी टाइट, मतलब दोस्तों उसमें अलाउ, मतलब एक टाइम के लिए अलाउड मांगते हैं, मतलब जिस टाइम दोस्तों इस ऐप ने लोकेशन यूज़ की ना, मतलब उसमें ऑप्शन आता है जब आप किसी ऐप को अलाउ दोगे तो उसमें 3 ऑप्शन आएंगे आपको दोस्तों, जिस टाइम यूज़ करें उस टाइम, मतलब एंड्रॉइड 1 प्रो चाहता है कि आपके जो ऐप जिस टाइम यूज़ करें ना उसी टाइम वो लोकेशन ऑन हो, आपने एग्जिट करते ऐप को हटा दे वो वहाँ से बंद कर दे ऑटोमेटिकली, और वो चीज़ है। और भाई दोस्तों और UI दोस्तों आप देखोगे ना भाई उनमें बैटरी ऑप्टिमाइज होती नहीं है। अब आप दोस्तों एक साइड बाई साइड चीज़ उठा के देखिएगा, एक आप कोई सा फ़ोन उठा लीजिए जो कि अदर जिसमें कोई UI, मैं किसी को टारगेट नहीं करूँगा क्योंकि यार फिर दिक्कत आने लगती है दोस्तों, फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है उन चीज़ की, और पर लोग समझते नहीं थे, ज़्यादा अवेयर नहीं हो रहे लोग। और एक एंड्रॉइड 1 प्रो दोस्तों फ़ोन लीजिए दोस्तों, आप ले लीजिए MIUI या Realme UI दोस्तों, एक स्टॉक एंड्रॉइड ले लीजिए, एंड्रॉइड 1 प्रो ले लीजिए भाई, इसमें भी अपडेट आते हैं, MIUI में अपडेट आते हैं पर अच्छे आते हैं, बहुत अच्छी बात है अच्छे आते हैं। पर इसमें दोस्तों देखो एंड्रॉइड साइज में दोस्तों 12 आ जाए, 13 20 100 200 आ जाए इसमें भाई, आपको जो स्किन मिलेगी ना ऊपर वो दोस्तों वही मिलेगी, आपको कोई भी चेंजमेंट मिलेगा, पर दोस्तों इसमें एंड्रॉइड 1 प्रो में, और इसमें भाई एड्स इसमें तो कैसे कैसे गंदी गंदी एड्स मिलेंगी आपको, मतलब आप अगर फैमिली में बैठे हो तो भाई आपको मतलब रिकमेंड ऐसे ऐड करेगा वो आंटी जी कॉल करो यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐड आएंगे आपको, तो ये चीज़ आप भी उसको नहीं सोच सकते, तो ये मतलब कुछ भी कर सकता है पैसे के लिए, जो कि अदर ब्रांड है आपकी Xiaomi Realme दोस्तों ऐड देने स्टार्ट कर दिया, Realme स्टार्टिंग में जब क्या किया था ऐड नहीं दी थी, और उनका दोस्तों कलर OS था, और भाई अब Realme अब फिर उन्होंने ऐड देने स्टार्ट कर दी, तो भाई ये सब एक मार्केटिंग होती है। और एंड्रॉइड 1 प्रो दोस्तों क्या है, आपको मैं बोल रहा हूँ कुछ भी हो जाए, चाहे वो कह भी देना कि हम ऐड देंगे तो ऐड नहीं दे सकते दोस्तों, उनको पता है भाई हमारी यार हम वो अपनी पॉलिसी को कैसे क्रॉस कर सकते हैं उस चीज़ को, तो वो है। और यहाँ पे दोस्तों आपको अपडेट फास्ट टू फास्ट मिलेंगे। अब देखो तो पिक्सल फ़ोन होता है जो गूगल पिक्सल फोन, तो उसमें सबसे पहले अपडेट आता है एंड्रॉइड का, कोई भी अपडेट आता है उसमें सबसे पहले आएगा, मतलब तभी कभी अपडेट आया फिर उसके बाद ही तुरंत उसमें दोस्तों एंड्रॉइड 1 प्रॉब्लम आता है। पर दोस्तों कुछ ब्रांड ऐसे ऐसे होते हैं जैसे कि Xiaomi ले लीजिए भाई, वो अपडेट मतलब टाइम पर रोलआउट नहीं करते, जैसे कि नोके फोन भाई उन्होंने एंड्रॉइड 11 का अपडेट रिसीव हो रहे हैं, पर Xiaomi क्या कर रहा है भाई, जो कि A1, A2, A3 उसमें अब भी रिसीव नहीं हो रहा यार, मतलब ब्रांड कहते हैं तो थोड़ा बहुत होता है कि यार उनको रोल आउट करना है, पर वो अपडेट छेड़खानी नहीं कर सकते, तो वो चीज़ है। और ज़्यादा कुछ था नहीं, ज़्यादा को पसीने में कितनी ज़्यादा आ गया आपके भाई के, और बेस्ट दोस्तों एंड्रॉइड 1 प्रो होता है। और ऑलमोस्ट दोस्तों की बड़े बड़े यूट्यूबर भाई वो भी मैंने देखा कि भाई वो भी एंड्रॉइड 1 प्रो दोस्तों प्रेफर करते हैं कि भाई यही प्रोग्राम सबसे बेस्ट है, या फिर वन प्लस दोस्तों ऑक्सीजन OS को, पर दोस्तों अब भी थोड़ा ऑक्सीजन OS को प्रेफर नहीं करें, थोड़ा सा उसे मतलब थोड़ा सा यार अगर कोई ब्रांड किसी की कॉपी करते हैं किसी से इंस्पायर होता है तो यार थोड़ा सा यार होता है कि यार इंस्पायर होती है, पर एक कॉपी यार एक सैमसंग की बनी हुई है यार, उसने अपनी अलग ही डिफरेंट इनोवेशन की थी यार, फिर उन्होंने वहाँ से यार कॉपी की यार, तो गलत चीज़ है। वन प्लस जो आप कर रहे थे ना डायरेक्ट वो चीज़ करिए, आपको दोस्तों नियर बाय स्टॉक एंड्रॉइड है वो दोस्तों उनमें थोड़े से ऐड ऑन फीचर दे दिए, मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन है पर उसमें थोड़े बहुत ऐड ऑन फीचर उसमें भी ऐड नहीं है, पर यही था एंड्रॉइड 1 प्रो सबसे ज़्यादा सेफ है, अपडेट फास्ट टू फास्ट आएंगे जो कि वर्ल्ड के अंदर दोस्तों है। और दोस्तों एक बात बताऊँ आपको और मैं दोस्तों अपनी इंडियन कंट्री है ना भाई, यहाँ पे एंड्रॉइड 1 प्रो के फ़ोन ही चलते, और भाई जो बाहर मतलब जो वेस्ट साइड जाओगे ना तो वहाँ पे लोग स्पेक्स कम ले लेंगे, पर दोस्तों जो एंड्रॉइड अपडेट एंड्रॉइड वर्जन है भाई उनको दी बेस्ट चाहिए वो, ठीक है। तो भाई ऐसे थोड़े मतलब इंडियन थोड़े से थोड़ा समझदार बने कि यार आप थोड़ा सा देख के लिए स्मार्टफोन की, मतलब स्टॉक एंड्रॉइड ले या फिर आप एक अपना
माइंड वन प्रो हम ले, या फिर वन प्लस का या एक्स ऑक्सीजन ओएस ले सकते हैं, या फिर आप आईओएस में जा सकते हैं, या फिर गूगल के तो गूगल के खुद के स्मार्टफोन में शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर मोटरोला के भी जा सकते हैं, मोटरोला के स्ट्रोक एंड्रॉइड पाते हैं, और नोकिया के दोस्तों तो है दी बेस्ट होता है एंड्रॉइड प्रो में से, पर वो नोकिया अभी काम नहीं कर रहा अच्छे से। आसूस के दोस्तों एंड्रॉइड मतलब एंड्रॉइड स्टोक एंड्रॉइड बेस है, तो भाई वहाँ पर भी कुछ नहीं है, वो भी बहुत अच्छे फ़ोन देते हैं। और दोस्तों जो आपके ब्रांड बच गए भाई उनका नाम तो मैं लूँ ना बार बार, और दोस्तों कई कई स्मार्टफोन जिनके मतलब कैसे कैसी यू आई है तो मेरे ज़्यादा नाम याद नहीं है दोस्तों। बस तो वीडियो थे, वीडियो चलिए, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों, बाय, टेक केयर।